तो बच्चों हम लोग अब क्या देख रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके इसी एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन 7.3 का, उसी के जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया ये, और ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिया ये। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको क्या अप्रोच करनी है इंटीग्रेशन के लिए, वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आ जाओ जरा बात करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर कोस कोस है, यहाँ पर आपका साइन कोस है, और यहाँ पर आपका साइन साइन है। देखो सेम पेयर दिख ही रहा है आप लोगों को, तो कोस कोस का पेयर दिख रहा है और साइन साइन का। तो ये आपका कोस का फार्मूला होगा, कुछ कोस का कुछ बनाना होगा यहाँ पर हम लोगों को, और ये जो है आपका साइन कोस का पेयर है तो यहाँ साइन का फार्मूला होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वगैरह में। तो हम लोगों को यहाँ फार्मूला कुछ ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ कोस कोस है, तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, आपको ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच के लिए उसका रिवर्स कर देना है। ये कोस कोस है तो मतलब ये कोस का फार्मूला है, तो यहाँ पे मेरे को साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ साइन कोस है तो मतलब ये साइन का फार्मूला रहा होगा, तो यहाँ पे मेरे को कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सेम चीज यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब कैसे करना है वो चीज़ देखो, आपके सेम एंगल यहाँ बनने चाहिए, तो मैं ऊपर बना देता हूँ आपका सेम एंगल। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी ले लो आप। ठीक है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। दोबारा बता देता हूँ मैंने साइन से क्यों करा, क्योंकि सेम था मतलब कोस का फार्मूला था, पर उसका रिवर्स से मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। तो यहाँ करता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये अगर आपकी ये अप्रोच क्लियर है तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या साइन बी माइनस ए भी ले लेना, जो आपको सही लगे वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ए माइनस बी लो या बी माइनस ए लो, इसको मैं ए माइनस बी से बी माइनस ए से कर दूंगा। ठीक है, अच्छा तो ए माइनस बी, अब इसको मेरे को ऐसा एंगल बनाना है, तो साइन एक्स माइनस बी लिख देता हूँ पहले। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस ए लिख देता हूँ। देखो ढंग से इसको, मैंने क्या नीचे वाला एंगल बना पाया, एक्स माइनस ए भी दिख रहा है आपको, एक्स माइनस बी भी दिख रहा है, और मैंने क्या करा है यहाँ पर एक्स से माइनस कर दिया और प्लस कर दिया। ये कट जाएगा इससे, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा और ये वो हो जाएगा। अगर आप ये बी माइनस ए ले लेते तो ये टर्म मैं पहले लिख देता और ये बाद में लिख देता, तो वो अपने आप बी माइनस ए से हो जाता। ठीक है, तो कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगा दो साइन ए माइनस बी का, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, तो चलो करते हैं ए माइनस बी। चलो क्या आएगा फार्मूला, साइन ए कोज बी माइनस कोज ए साइन बी अपॉन में कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी। अब इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो आओ जरा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी कोज एक्स माइनस ए अपॉन में कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी माइनस, इसको देखो कोज एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी ये डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ। अब इसमें क्या कट रहा है वो देख लो, ये आपका कट रहा है कोज एक्स माइनस ए से कोज एक्स माइनस ए, तो साइन अपॉन में कोज बचेगा विच इज 10, तो देखो क्या बना आपका साइन ए माइनस बी, तो ये आपका बन गया क्या इंटीग्रेशन में, ये बन गया 10x माइनस बी। चलो इसकी बात करता हूँ, तो इसमें देखोगे आप लोग तो इसमें कटेगा आपका कोज x माइनस बी से कोज x माइनस बी कट जाएगा, साइन अपॉन में कोज ये भी 10 बन गया, तो 10x माइनस ए। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, अब इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो 10 का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, ए माइनस बी माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ कोज एक्स। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ कोज एक्स। अब लॉग एम बाय लॉग एन का आप फार्मूला लगा दो, तो ये ऊपर ये नीचे, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ ये ऊपर कोज एक्स माइनस ए अपॉन में कोज एक्स माइनस
बी और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे अप्रोच करनी है, सेम क्वेश्चन अब इस पर बात कर लेते हैं हम लोग, सेम अप्रोच से करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो जरा देखो कैसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो साइन और कोस का पेयर है, तो साइन का फार्मूला होना चाहिए पर उसके रिवर्स से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो कोस इसमें मैंने ए माइनस बी लिया था, तो इसमें बी माइनस ए ले लेते हैं। तो कोस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, बी माइनस ए से डिवाइड, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बी माइनस ए, चलो कोस नीचे जैसा कुछ बनाना है हम लोगों, तो मैं x माइनस ए लिख देता हूँ माइनस x माइनस बी लिख देता हूँ। तो देख लो तो आपके पास क्या आ जाता है, देखो जरा क्या आ गया आपके पास, ये टर्म आ गई। तो वन अपॉन में कोस बी माइनस ए, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगा दो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, यही आएगा। अच्छा कोस के ए माइनस बी में आपका प्लस आ जाता है, तो साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अगले स्टेप में, इसको मैं इस पूरे को इसके नीचे लिखूंगा, इस पूरे को इसके नीचे लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा कोस बी माइनस ए, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कटेगा क्या, ये कट जाएगा टर्म, है ना, कोज एक्स माइनस बी। तो कोज अपन में कोट आ जाएगा आपके पास, तो कोट एक्स माइनस ए बचेगा और यहाँ पर बचेगा कोट एक्स माइनस बी, ए वाली टर्म इसमें कट जाएगी, इसमें कटेगा आपका साइन एक्स माइनस बी से, सॉरी कोज एक्स माइनस, सॉरी ये साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो साइन अपन में कोज टेन बनेगा, सॉरी टेन बन जाएगा यार, ठीक है। तो प्रॉपर लिख लेना इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तभी आप जज कर पाओगे इसको। तो ये आ जाएगा, तो अब जरा कर लो इसको, तो कोज बी माइनस ए, तो ये आ गया लॉग साइन एक्स और ये आ गया माइनस लॉग कोज एक्स प्लस सी। तो अब आ जाएगा वन अपॉन में कोज बी माइनस ए लॉग ऑफ साइन ये ऊपर और ये नीचे प्लस में सी। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगली बात कर लेता हूँ आप लोगों से, अब बात करता हूँ इस क्वेश्चन को लेके। तो इसमें भी ऐसा ही है, कुछ चेंज करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं और कुछ मुश्किल भी नहीं है, तो कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करो यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें ये दोनों सेम पेयर है, मतलब कोस का फार्मूला रहा होगा तो उसका रिवर्स आपको यहाँ लगाना है, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो भी आपको सही लगे वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे वाला एंगल ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे बाकियों में करा है, तो साइन एक्स प्लस ए प्लस, ठीक है, या माइनस ले लो एक्स प्लस बी, देखो बन गया ना, देखो इसको ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा, तो नीचे वाला एंगल दोनों बन गए ऊपर, तो साइन ए प्लस ए माइनस बी ऊपर फार्मूला लगा दो साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कोज बी माइनस कोज ए साइन बी, ठीक है, ये कोज है आपका, चलो डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब इसको इसके नीचे लिखो, इसको इसके नीचे लिखो, तो वन अपॉन में साइन ए माइनस बी, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो ये इससे कट जाएगा, कोज अपॉन में साइन कोट होएगा प्लस ही आपका, सॉरी माइनस ही है, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो मेरे हिसाब से साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कट जाएगा, तो कोज अपॉन में साइन ये भी कोट ही बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का फार्मूला लगा दो, तो वन अपॉन में साइन
ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी माइनस लॉग ऑफ, सॉरी प्लस, लॉग साइन एक्स होता है ना, हाँ प्लस, ये भी प्लस का ही रहेगा, लॉग साइन एक्स एक्स प्लस ए प्लस सी। अब लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा दो, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।